SEO में कीवर्ड्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो इसीलिए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कीवर्ड्स या फिर एक कीवर्ड क्या होता है और SEO में कीवर्ड इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, और साथ ही मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगी कि कैसे आप कीवर्ड्स का यूज करके अपने सर्च इंजन्स पर अपनी वेबसाइट की रैंकिंग को बढ़ा सकते हैं। और साथ ही इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपको कीवर्ड जो यूज करने हैं SEO में वो किस तरह से करने हैं और क्या चीजें ध्यान में रखनी है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, आई हरमीत वेलकम यू ऑल ऑन WsCubeTech चैनल। सो जैसा मैंने बताया, आज हम बात करने वाले हैं कीवर्ड्स के बारे में। तो कीवर्ड होता क्या है? देखिए, अगर मैं बहुत ही नॉर्मल लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो कीवर्ड बेसिकली वो वर्ड्स या फिर वो फ्रेजेस होते हैं, ठीक है। कई बार वो आपको एक वर्ड भी हो सकता है, कई बार एक से ज्यादा वर्ड भी हो सकते हैं। तो इसलिए मैंने बोला कि कीवर्ड्स वो वर्ड या फिर वो फ्रेजेस हैं जो कि ये डिस्क्राइब करते हैं कि आपका कंटेंट किस बारे में है, या फिर मैं कहूँ आपके वेब पेज पर जो भी इंफॉर्मेशन पड़ी है वो किस बारे में है। एक एग्जाम्पल लेती हूँ कि अगर मान लीजिए आपकी वेबसाइट ब्लॉगिंग वेबसाइट है और उस वेबसाइट पर एक पेज है जिसमें आप समझा रहे हैं कि व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग क्या है, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, मार्केटिंग, ये सारे क्या हैं, हमारे कीवर्ड्स हैं, यानी ये कीवर्ड्स ये बताएंगे कि आपका कॉन्टेंट किस बारे में है। वहीं अगर मैं बात करती हूँ SEO के पर्सपेक्टिव से, तो SEO के पर्सपेक्टिव से कीवर्ड का मतलब थोड़ा सा अलग हो जाता है कि ये तो हमने समझ लिया कि ऑडियंस के लिए कीवर्ड्स का क्या मतलब है, कीवर्ड्स मतलब आपका वेबसाइट, आपके वेब पेज किसके बारे में है। लेकिन जब हम SEO करते हैं किसी भी वेबसाइट का, तो कीवर्ड्स बेसिकली हमारे लिए वो वर्ड्स हो जाते हैं जिन पर हम चाहते हैं कि हमारा वेब पेज रैंक करे। एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी डिजिटल मार्केटिंग का लिया कि अगर डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड आपका कोई ब्लॉग लिखा हुआ है किसी वेब पेज पर, तो आप चाहेंगे कि जब भी कोई पर्सन उस ब्लॉग से रिलेटेड या फिर डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कोई भी कीवर्ड टाइप करे, जैसे व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग या फिर डिजिटल मार्केटिंग या फिर डिजिटल मार्केटिंग 2022, जब भी कोई ऐसे वो कीवर्ड्स टाइप करे तो उससे मेरी वेबसाइट टॉप रैंक पर दिखे। तो SEO एग्जीक्यूटिव के लिए या SEO मैनेजर के लिए, यानी अगर आप SEO प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपके लिए कीवर्ड का मतलब है वो वर्ड्स या फिर वो फ्रेजेस जिन पर आप अपने वेब पेजेस को, वेबसाइट को रैंक करवाना चाहते हैं। अब सवाल आता है कि SEO करने के लिए कीवर्ड्स को समझना या फिर कीवर्ड को रिसर्च करना क्यों जरूरी है? तो देखिए, आई थिंक इसका जवाब मैं डेफिनेशन में ही दे चुकी हूँ कि ये वो वर्ड्स हैं जिस पर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट रैंक करे। तो अगर आपको वो वर्ड्स पता हैं कि जिन पर आप अपनी वेबसाइट को रैंक करवाना चाहते हैं, तो वो वर्ड्स आप अपने कंटेंट में पुट करेंगे। बेसिकली गूगल के क्रॉलर को आप बताएंगे कि ये जो मेरा पेज है ये इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में है, तो गूगल उसको क्या करेगा, रीड करेगा, और गूगल को भी पता चलेगा कि ये पेज जो है कि अगर जब भी कोई डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड क्वेरी टाइप करे या फिर व्हाट इज मार्केटिंग टाइप करे, तो मुझे उसे ये वाला पेज तो दिखाना ही दिखाना है क्योंकि ये पेज बिल्कुल रिलेवेंट है। तो बेसिकली रिलेवेंसी शो करने के लिए गूगल के क्रॉलर को आप क्या करते हैं, अपने कीवर्ड्स पुट करते हैं। लेकिन अब सवाल आता है, क्या सिर्फ आप गूगल के लिए ही कीवर्ड्स पुट करते हैं? तो ऐसा नहीं है। जैसा आपको पता है कि सर्च इंजन बहुत सारे फैक्टर्स को कंसिडर करते हैं आपकी वेबसाइट को रैंक करवाने के लिए, उनमें से एक होता है कीवर्ड, जो कि अभी हमने डिस्कस किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपने अच्छे अच्छे कीवर्ड्स पुट कर दिए, रिलेवेंट कीवर्ड्स पुट कर दिए, तो आपकी वेबसाइट रैंक कर जाएगी। लेकिन मेनली जो आप कीवर्ड्स का यूज करते हो SEO में, वो अपने यूजर के लिए करते हो, यानी अपनी ऑडियंस के लिए करते हो। तो बेसिकली जो भी ऑडियंस, जैसे मान लीजिए किसी पर्सन ने लिखा व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, तो अगर उसे आपकी वेबसाइट मिलती है और आपकी वेबसाइट में एग्जैक्टली वही कीवर्ड्स हैं जो उसने सर्च किए हैं। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे आपका एक सैलून है दिल्ली में, तो किसी पर्सन ने टाइप किया बेस्ट सैलून इन दिल्ली, तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट है कि वो बेस्ट सैलून के बारे में जानना चाहता है दिल्ली में, तो वो क्या करेगा, उस पेज पर जाएगा जहां पर उसे ये एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो इसीलिए SEO में कीवर्ड्स को जानना ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और क्रॉलर्स के भी पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों के लिए ही कीवर्ड्स बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब आखिरी सवाल का जवाब कि किस तरह से SEO में कीवर्ड्स को यूज किया जाए,
बहुत सारी आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको ये बताऊंगी कैसे आप रिसर्च करेंगे, कैसे कीवर्ड्स आप पिक करेंगे, कैसे उनको अप्लाई करेंगे, कहां कहां पुट करेंगे। लेकिन कुछ ऐसी चीजें जो मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहूंगी कि सबसे पहले जब भी आप अपने कॉन्टेंट में कीवर्ड पुट करें तो आपको मॉडरेशन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। मॉडरेशन का मतलब है एक्सेसिव यूज ऑफ कीवर्ड्स नहीं करना है। एक वर्ड होता है कीवर्ड डेंसिटी, जिसके बारे में मैं आने वाली वीडियोस में भी बात करूंगी कि जितने भी आपका कंटेंट में जितने भी वर्ड्स हैं उनका सिर्फ 2-3% ही आपके कीवर्ड्स होने चाहिए। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, कैसे मेजर करेंगे, कैसे कम करेंगे, इसके लिए मैं आने वाली वीडियोज में मैं डेफिनेटली बात करूंगी और आपको एक एक चीज प्रैक्टिकली समझाऊंगी। मॉडरेट होने के साथ साथ आपको नेचुरल भी होना पड़ेगा कि ऐसा नहीं कि हम रैंडमली कीवर्ड्स कहीं भी पुट कर रहे हैं। जो भी आपके कीवर्ड्स हों वो आपके किसी सेंटेंस में, किसी टॉपिक में, किसी पैराग्राफ में सिस्टमैटिक तरीके से आने चाहिए। जैसे कि अगर मैंने डिजिटल मार्केटिंग वर्ड यूज करना है मुझे, तो मैं उसको किसी लाइन में पुट करूंगी, ना कि मैं रैंडमली कहीं भी कीवर्ड पुट कर दूंगी। ये कीवर्ड स्टफिंग हमें नहीं करनी, बल्कि हमें अच्छी तरीके से कीवर्ड प्लानिंग करनी है और कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग ही कंटेंट लिखना है। बहुत फर्क होता है कीवर्ड स्टफिंग में और कीवर्ड प्लानिंग में, जिसके बारे में मैं आने वाली वीडियोस में बात करूंगी। तो ये था एक बहुत ही छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको कीवर्ड्स पर दिया है, मैंने इसकी इंपॉर्टेंस आपको समझाई है। आने वाली वीडियोस में हम प्रैक्टिकली सारी चीजें साथ में करेंगे, एक एक टूल का मैं यूज करना आपको सिखाऊंगी, कैसे उसको अप्लाई करना है, कंटेंट क्रिएट कैसे करना है, एसईओ फ्रेंडली हो जो, तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। बस एक रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा जिससे एक भी वीडियो मिस ना हो। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जहां पर आपको एसईओ की कंप्लीट मतलब सारी वीडियोज मिलेंगी डेली। सो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर रखें और प्लेलिस्ट को भी सेव कर लें। एंड कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।